पंजाबी कलाकारों में गैंगस्टरों का बढ़ता खौफ, गिप्पी गिरवाल के घर पर चली धड़ाधड़ गोलियां, मनकीरत औलख, एली मंगत, जानी और यहां तक कि हनी सिंह भी हैं गैंगस्टरों के निशाने पर। नमस्कार, मैं गगनदीप रलन और आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री पर गैंगस्टरों का साया लगातार देखने को मिल रहा है। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर हर्ष डल्ला के दो शूटरों को मुठभेड़ के बाद जब काबू किया तो पता चला कि उनका निशाना पंजाब के मशहूर सिंगर एली मंगत हैं। पिछले दिनों बब्बू मान के जलंधर कार्यक्रम में गैंगस्टरों की ओर से गोलियां चलाने की धमकी के बाद अब कैरी ऑन जट्टा मूवी से नाम कमाने वाले पंजाब के मशहूर गायक और सिंगर गिप्पी गिरवाल के कनाडा निवास पर गोलीबारियों की खबर सामने आई है। गिप्पी गिरवाल के कनाडा निवास पर गोलीबारी से पंजाब का मनोरंजन उद्योग काफी ज्यादा दहशत में है। कलाकारों का कहना है कि पुलिस कोई ठोस कदम उठाती ही नहीं है, हमें तो अब कहीं पे भी अपना ठिकाना सुरक्षित नहीं लग रहा है। पिछले साल सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद से ही पंजाब के गायकों में खासी दहशत फैली हुई है। गायक मनकीरत औलख भी गैंगस्टरों के निशाने पर हैं। दविंदर बंबिया गिरोह से धमकियां मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने उनकी सुरक्षा सख्त कर रखी है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कई पंजाबी गायकों को गिरोह के सदस्यों की ओर से धमकी दी जा रही है और उन पर हमला भी किया जा रहा है। इसके पीछे जहां लॉरेंस व बिम्बिया गुट की जानी दुश्मनी है, वहीं जबरन वसूली भी इसकी एक अहम वजह है। 2018 में अज्ञात लोगों ने पंजाबी गायक परमीश वर्मा को भी मोहाली में गोली मारी थी। इसी साल गायक नवजोत सिंह का गोलियों से छलनी शव डेरा बस्सी में मिला था। अभिनेता गायक गिप्पी गिरवाल को भी पहले दिलप्रीत सिंह ने वीडियो कॉल के जरिए रंगदारी की मांग की थी। मशहूर रैपर और बॉलीवुड के सिंगर हनी सिंह, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको भी कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर गोल्डी ब्राड ने वॉइस नोट के जरिए जान माल की धमकी दी थी। हनी सिंह के ऑफिस की तरफ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी शिकायत भी की गई है। परमीश वर्मा और गिप्पी गिरवाल के मामले तो खुल के सामने आ गए हैं, लेकिन कई गायकों ने डर के मारे दहशत की वजह से पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं दी है। जालंधर में पिछले दिनों सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में बब्बू मान को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया था। गैंगस्टरों ने धमकी दी थी कि अगर कार्यक्रम हुआ तो वह वहां पे गोलियां चलवा देंगे। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने हाई अलर्ट किया और आयोजकों को बब्बू मान का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ, काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब के डीजीपी कानून व्यवस्था अर्पित शुक्ला का कहना है कि पुलिस का ऑपरेशन गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार चल रहा है। पंजाब में कानून व्यवस्था को बनाकर रखना पुलिस का फर्ज है। क्या पंजाबी इंडस्ट्री भी 80-90 के दशक के बॉलीवुड की तरह गैंगस्टरों का अड्डा बनकर रह जाएगी, या पुलिस प्रशासन के द्वारा इन गैंगस्टर गतिविधियों के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी और कलाकार वापस से बिना किसी खौफ के अपनी कला का प्रदर्शन आजादी से कर पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।